शुभ नाम बताओ बहन जी। गीता, आगे आओ, मुझे ये बताओ आपके साथ हुआ क्या है? मैं 25 साल से परेशान हूँ। 25 साल से क्या परेशानी है? मेरा बेटा जो मम्मी परेशान करता है, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई गई है। अच्छा, लेकिन ऐसा किसने बताया आपको? यहाँ चेक किया, यहाँ बताया आपको? यहाँ पे भी बताया। यहाँ क्या बताया? यहाँ पे बताया कि तुम्हारे ऊपर शमशानी क्रिया करी हुई है। वो तुम्हारे ऊपर बताइए या बेटे के ऊपर बताइए? बेटे के ऊपर बताइए। बेटे के ऊपर बताइए कि वही शमशानी क्रिया जो तुम्हारे ऊपर है, वही तुम्हारे बेटे के ऊपर आ गई। तब तुम्हें क्या शरीर में कष्ट रहते हैं? शमशान की क्या मकान में कराई गई है, ये बताया? मकान में कराई गई है, वही सब पे आ रही है, वही सबको परेशान कर रही है। पितरों को उल्टा करके बांधा हुआ है। पितरों को भी उल्टा करके बांधा हुआ है। इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं, कितने दिन से? क्या पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया था? डॉक्टरों को कहीं दिखाया? डॉक्टरों को दिखाया। कब दिखाया? लाखों रुपए खर्च हो गए डॉक्टरों में। 25 साल से लाखों को लाखों रुपए खर्च हो गया। गया जी भी गए हम लोग। गया जी भी गए। त्र्यंबकेश्वर भी गए। त्र्यंबकेश्वर भी गए और जहाँ बताया वहाँ गए। जहाँ जिसने बताया वही जाते रहे। नहीं जाते रहे क्रिया के लिए। ये हमारी क्रिया करती है। ये भाभी जी हमारे यहाँ दुकान पे 1.5 साल से आती हैं। कौन ये भाभी जो आप आई थी, जिन्होंने आपके बारे में बताया? अच्छा, ये 1.5 साल से आती है। हाँ, तब इन्होंने बताया आपके बारे में? बताया तो हम तो इस समस्या को लेके आप किसी भक्तशाने के पास भी गए? इतनी कहाँ गए साहब? कहाँ कहाँ गए? जिसने प्रमुख स्थान पे कहाँ गए हैं? प्रमुख स्थान पे कहाँ? अभी 2 साल पहले करौली सरकार गए थे। कै साल पहले? 2 साल पहले। पूरे 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल पहले गए। फिर वहाँ से मैं कोई लाभ नहीं हुआ, वहाँ से मैं और परेशानियाँ बढ़ गई हैं। परेशानियाँ तो इसलिए बढ़ गई कि वहाँ वे ईंट पुजवाते हैं, उनमें उसका तांत्रिक गुरु आता है साथ में। उन्होंने बताया बेटे के ऊपर कि उसके शरीर में कोई पिशाच नहीं है जो उसके साथ संभोग करती है, गलत काम करती है। ये बात तो उसने सामने खड़े होकर बताई होगी। हाँ, है ना? कितना पैसा आपका तकरीबन वहाँ लगा? लगा तो लाखों में ना। हाँ, 1.5 लाख से ऊपर लग गया होगा। 1.5 लाख से ऊपर लग गया होगा। 1 लाख से ऊपर लग गया होगा। तो इतनी त्वरित क्रिया, वो तो ये कहता है कि मेरे यहाँ तो आदमी एक बार आ जाए तब उसके ऊपर प्रेत भी कोई नहीं चढ़ा सकता। अगर कोई प्रेत चढ़ा दे दुनिया में तो भी मैं 10 करोड़ रुपया दे दूंगा। एक बार वहाँ हाथ जोड़ के आ गए थे, हम नहीं आएंगे। फिर पता नहीं क्या दिमाग हुआ, फिर दोबारा चले गए। फिर चले गए, फिर पैसा दे आए। तो वो तंत्री तो है उनका। हाँ, वो तंत्र का सम्मोहन है। वो दिमाग बदलते हैं। वो दिमाग बदल देता है। वो गए, हमारा दिमाग बदल दिया। दिमाग ऐसा बदल दिया कि हम वहीं जाते रहे। बस ये है, बस ये है, ऐसा होता रहता है। अब तो हम गए 15 दिन से उसको। क्या नाम है? मेरे को नाम बताइए। मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल लड़के का नाम। 15 दिन से एडमिट है वो मानसिक रोगी हो गया। अजीब सी हरकतें करता है, मौत को मारपीट करता है, घर में सामान उठा उठा के फेंकता है। मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा मुख खुला, मुझे जम्भाई आई, ठीक है ना? इसका मतलब मेरे यहाँ से देवता गए हैं। मुझे तभी होता है ये, जब यहाँ से देवता चले जाते हैं और आपको लाभ मिलने वाला होता है। इसका मतलब आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मेरे यहाँ झूठ कुछ नहीं है, सत्य है। मैंने तो 8 लाख रुपए नहीं ले लिया ना, पहले वहाँ फ्री में चेकिंग कराते हैं, फिर हम हवन क्रिया बताते हैं। वो करो चाहे मत करो कोई, ठीक है ना? हमने अपनी क्रिया बता देनी है। हम प्रेशर कुछ नहीं देते, दबाव कुछ नहीं देते। जी, जी, जी। ना लाखों करोड़ों रुपए हमें चाहिए किसी का। जी, जी, जी। ठीक है ना? और आप गए करौली में कानपुर, वहाँ आपने सांड के दर्शन किए थे पैसे दे के? वो पैसे दो लेते हैं, वो मीटिंग के पैसे। पैसे लेते हैं मीटिंग के? तो कितने पैसे लिए मीटिंग के? 5100 रुपए। 5100 रुपए। फिर मीटिंग में क्या बताया? कुछ नहीं बताते। ये नहीं बताया आपका डीएनए तोड़ के अलग कर दिया और आपके बेटे को अब आपका पूरा कुल का कुल सही हो जाएगा 2 मिनट में? उन्होंने स्मृतियां हैं, बाकी सब ठीक हो गया। स्मृतियां हैं, बाकी सब ठीक हो गया। वो सबकी बुद्धि से खेलता है वो आदमी, पिशाच है। जीते जी अगर आपको कहीं पिशाच देखना है ना, आपके बेटे पे तो पिशाच नहीं, ये पिशाच है, ये सब पे चढ़ता है। सर बात ही दरअसल ये है, देखो जब आदमी परेशान होता है तो इधर उधर दौड़ता ही है। और दौड़ता है तो उसको सत्यनिष्ठ आदमी नहीं मिलते। नहीं नहीं, उसको उसको ऐसे ही लूटने ठगने वाले वहाँ पूछा, पहले 50 लोगों से पूछ रहे थे यार कौन कौन ठीक हुआ। धामपुर के हमारे यहाँ कई लोग जाते हैं, उन्होंने वही लेके ठीक हो गए सारे, कोई ठीक नहीं वाले वही लेके। 1% का, एक धेले का, एक रत्ती का लाभ किसी को मिल जाए करौली कानपुर से तो बता देना मेरे को। ऐसा हुआ, हमारा छोटा बेटा है वो है बंगलोर में इंजीनियर, तो वो गया एक बार हमारे साथ। उनने फोन हमारा मुंह बंद कर दिया, बोले इधर को पैर मत रखना, ये आदमी ठीक नहीं है। छोटे बेटे ने कहा, ये छोटे बेटे ने कहा ना ये आदमी ठीक नहीं है। हाँ, क्यों? उसको देखते ही समझ में आ गया वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है वो। तो यहाँ सत्यनिष्ठा का पता नहीं चलता। उसके बाद नहीं गया। बोलो जय श्री।